आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपके मूल्यांकन कार्यपत्रक 01 यानी कि जो आपको स्कूल से असेसमेंट मिला है उसके रिगार्डिंग रहेगी। इस वीडियो में मैं आपसे पूरा का पूरा जो है ये जो आपको असेसमेंट मिला है पूरा का पूरा डिस्कस करूँगा और आप जो है अपने आंसर मैच करते रहना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये असेसमेंट है तो आपको ये ईमानदार से खुद अपने आप करना है ताकि आप एनालाइज़ कर पाएँ कि आपको कितना आता है। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को देख लें क्योंकि मैं केवल ये क्वेश्चन तो नहीं बाकी इसके अंदर की जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी डिस्कस करूँगा और आप अपने आंसर भी मैच कर लेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स स्कूल में आए होंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा ज़्यादातर नाइन्थ के बेस पर है और दूसरा जो आपने जो भी अभी तक असाइनमेंट करे उसी के बेस पर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि -2.6 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो, चार चतुर्थांश होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, जिनको आता है वो आगे करके सिर्फ आंसर देख लेना, मैच कर लेना, बाकी मैं समझाऊंगा भी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इधर प्लस होता है, ठीक है, इधर होता है माइनस। ठीक है, तो इसने बोला है कि -2 और 6 कहाँ हैं, तो एक्स का -2, तो -2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, और वाई का जो है 6 दे रखा है, तो वाई का 6 प्लस का है तो ऊपर आएगा, तो यहाँ वाई ऊपर प्लस होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 और ये 6 और यहाँ पर जो है माइनस का 2। ठीक है, तो इसमें आ रहा है, तो ये कौन से सेकंड में आ रहा है, सेकंड में। ठीक है, तो इसका आंसर जो था वो था सेकंड। ठीक है, तो जिन्होंने सेकंड करा है उनका 1 मार्क्स हो गया, अगर टीचर उनको 2 में से दे रहे तो उनका 2 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो मतलब आपका ये पूरा करेक्ट है जिन्होंने बी इस पर क्लिक किया। ठीक है, मैंने सारे के सारे जो सिलेबस है उसकी भी वीडियो अपलोड कर दिया, आप देखना चाहते हो वो जिससे मैंने अच्छे से बता दी कौन कौन चैप्टर कितने मार्क्स है, अच्छे से पूरा बता दिया है। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकंड में जो हमसे बोला गया है कि 195 और 87 का एचसीएफ 3 है, तो एलसीएम इसका क्या होगा। ये आपका जो चैप्टर पहला है ना उसी से ही लिया गया है। तो देखो, इसमें क्या होता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। यहाँ पे हल्का हल्का लिखूंगा, बाकी आप बात को सुने पूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है दोनों संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों संख्या दे रखी है 195 और 87 दे रखी है, तो हमें एचसीएफ क्योंकि बराबर में आप इधर लिखो या इधर लिखो बात देखिए। ठीक है, तो हमें एचसीएफ 3 दे रखा है, हमने एचसीएफ की जगह 3 लिख लिया और हमें एलसीएम क्या मल्टीप्लाई में हमें नहीं दे रखा, तो एलसीएम को मैंने खाली लिख लिया, तो ये मल्टीप्लाई वाला जाकर इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 195 मल्टीप्लाई में 87 अपॉन में कितना है 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला जगह डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसको जब आप काटोगे तो 3 8 कितना होता है 3 5 15, 3 6 18 होता है। ठीक है, 3 6 18 ऊपर वन कैरी हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 65 बचेगा। अब 65 की 87 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 56 55। ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि देखो यहाँ पर एलसीएम पूछा है ना, हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले, तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो जो भी दो नंबर दे रखे हैं उनको आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे जो भी आपको दिया होगा। अगर एचसीएफ दे रखा तो एचसीएफ को डिवाइड कर देंगे, एलसीएम दे रखा तो एलसीएम को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 6 18 देगा, 3 5 15 देगा, इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आया था आपका 5655। तो आपका जो पहला वाला था उसका बी, ठीक है, और जो दूसरा वाला उसका डी आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड में बोला गया निम्न आकृति के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखो, ये आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब ये वृत्त होता है, ये केंद्र होता है, ये बाकी परिधि कही जाती है। तो ये केंद्र पर बना कोण है और ये जो है परिधि पर बना कोण है। जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का डबल होता है। अगर ये चीज, अगर ये चीज मान लो 70 है तो ये 140 की होगी। ठीक है, अब बताओ अगर ये 100 का है तो ये कितने का होगा, ये 50 का होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला बड़ा होगा, बड़ा भी होगा और डबल भी होगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन सही है। तो देखो, क्यू ओ आर ढूंढो कहाँ लिखा है, क्यू ओ आर सब जगह लिखा है। ठीक है, और क्यू पी आर इधर लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए जो क्यू ओ आर है ना, जो क्यू ओ आर इधर लिखा है, तो क्यू ओ आर को आधा करोगे तभी तो हमारा क्यू पी आर निकलेगा, है ना, तो हमारा ये आंसर आ गया। समझ में आ गई। देखो, आप एग्जाम्पल के साथ समझ लो इसको कैसे। ये देखो, अब हमें क्यू ओ आर को मान लो आपको 70 दे रखा है, कितना दे रखा है 70। ठीक है, अभी 70 देखो, ये कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए, तो आप 70 का आधा करोगे तभी तो 35 होगा, है ना। इस तरीके से जो क्यू पी आर है वो छोटा होता है और क्यू ओ आर जो है बड़ा होता है, तो हमारा ये आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको। चलो, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, हो सके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही थे। ठीक है, तो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट था कि बहुपद हमें ये दे रखा है 4x+3, इसका शून्य हमें बताना है। क्या बताना है, जीरोस। तो जब भी हमें किसी का शून्य बताना हो तो हम उसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं। वैसे पता है शून्य का मतलब क्या है, एक्स में क्या वैल्यू पुट करें कि इस पूरे के पूरे बहुपद की वैल्यू जीरो हो जाए। तो सबसे आसान तरीका इसका यही होता है कि हम इस पूरी वैल्यू को जीरो के बराबर रख लेते हैं और उसके बाद जो कॉन्स्टेंट होता है उसको
अपोजिट सर्जन के इक्वल के उधर ले जाते हैं और हमारे एक्स की वैल्यू निकल गई -3/4। तो एक्स की जगह अगर -3/4 रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 4 -3/4 + 3, 4 से 4 कैंसिल, -3 + 3 = 0 आ रहा ना। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, -3/4 होगा। समझ में आ गई, ये हमारा ए आंसर इसका आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ बोला गया है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड का एरिया, एक्स वाई जेड का एरिया 118 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और हमें बोला गया एक्स एस जो है ये जो है 4 दे रखा है, और इसमें बोला ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब जब कोई लाइन किसी पर 90 डिग्री के बनती है। ठीक है, तो इसने बोला है वाई जेड की वैल्यू निकालिए, इस पूरे वाई जेड की वैल्यू निकालिए। ठीक है, देखो अगर कोई भी ट्राइंगल में हमें बेस और हाइट दी होती है तो हम ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 118 दे रखी है। ठीक है, 1/2 आधार कितना दे रखा है हमें, आधार हमें दे रखा है पता नहीं क्योंकि वाई जेड है, वो तो हमें निकालना है ना, वाई जेड लिख लेंगे। ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, एक्सेस 4। ठीक है, इक्वल टू में कितना है, 118। ठीक है, अब इस ये जो हमें दे रखा है ना 1/2 और 4, इसको उधर ले जाएंगे, या पहले आप सिंपल करो 2 को से काट दो, 2 2 4 हो गया, अभी 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 118 का आधा कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। 2 5 10 2 9 18, इस तरीके से 59 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई। ठीक है, एक बार दोबारा से बताता हूँ, देखो जब हमें जो चीज़ दी होती है उसको फॉर्मूला लगाते हैं। हमें एरिया दे रखा था 1/2 बेस इनटू हाइट इक्वल टू में 118 दे रखा था, हमने 1/2 लिखा, बेस हमें पता नहीं है, हाइट हमारे को 4 दे रखी है, यहाँ लिखा हुआ 118, तो हमने क्या करा, बेस को वहीं लिख दिया 118, 1/2 जाके उधर जाके 2/1 हो गया और 4 जाके 1/4 हो गया। इसी के हमने पहले 2 को काट लिया, फिर इसको काटा, 2 5 10 हो गया, 2 9 18 हो गया, 59 आंसर आ गया। ठीक है, सबका ठीक था ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट पर बोला गया है कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन जो है इन चारों में से, ठीक है, किसका सॉल्यूशन है, मतलब ये जो चार जो हमें पॉइंट दे रखे ना, ये चारों पॉइंट में से कौन सा सॉल्यूशन इसका है। देखो इन चारों में से, ठीक है, इसको पुट अगर हम इसमें करेंगे तो जो जीरो के बराबर आ जाए वही सॉल्यूशन माना जाएगा। जैसे आपको पहले एक्स की जगह 2 और वाई की जगह -1 रखना है, फिर आपको 1 2 रखना है, फिर उसके बाद आपको क्या रखना है, -1 2 रखना है, फिर -2 1 रखना है, तो जो भी x और y में रखने के बाद 0 के बराबर आ जाएगा वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो अफड़ाफड़ 1 by 1 करते हैं। जैसे पहले हमने 2 और -1 पुट करा, देखो पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। जहां x है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 2, और जहां y है वहां क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, और -9 लिख लो। अब 5 2 कितना होता है, 10, 2 1 कितना होता है, 2, -9 = 0। तो अब देखो 10 माइनस के कितना होगा, 11, और 11 में से 10 जाएंगे तो -1 बचेगा, 0 तो नहीं बचेगा, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब 1 2 पुट करना है, क्या पुट करना है, 1 और 2 पुट करना है। तो 5 जहाँ x है वहाँ 1 लिख लिया, जहाँ 2 है वहाँ 2 रखेंगे, y की जगह क्या रख देंगे, हमें कितना रखना है, 2, -9 = 0। तो 5 1 5, 2 2 4, -9, अभी दोनों प्लस किया तो 9 9 -9 = 0, तो 9 9 9 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब जो है हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। समझ में आ गई। तो बाकी करने की जरूरत नहीं है, चारों में से एक ही करेक्ट होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन ना दिए होते, वैसे दिए होते तो एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते थे। ठीक है, तो ये वाला आंसर आएगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, उसके बाद आ जाओ 7th पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद 7th बोले चक्र चतुर्भुज के चारों शीर्ष पर स्थित होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि जो चक्र चतुर्भुज कहते किसे हैं। देखो जब कोई वृत्त होता है, उस वृत्त के अंदर अगर हम कोई चतुर्भुज बनाते हैं जो उस वृत्त की परिधि को टच कर रहा होता है। ठीक है, अगर मान लो वृत्त बनाया आपने अंदर में टच नहीं कर रहा तो वो नहीं। ठीक है, तो अगर कोई हमने चतुर्भुज बनाया वो वृत्त की परिधि को टच कर रहा है चार पॉइंट पर, तो उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ये बोला चक्र चतुर्भुज के चारों शीर्ष डैश पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, वृत्त पर। ठीक है, अगर ये लिखा होता वृत्त की परिधि पर तब भी वो सही होता, तो जिनका ये ठीक है उनको भी मार्क्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, इनमें से अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हैं जो अपरिमेय संख्याएं। देखो अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ आ गया। देखो 36 है ना, 36 का रूट होता है ना 6, 36 का रूट होता है ना 6 6 36, तो 2 में से एक बार आ गया, तो ये तो परिमेय बन गई। क्या बन गई, परिमेय बन गई, तो ये अपरिमेय नहीं है, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा है 0.85, तो इसको तो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो पॉइंट हेड के नीचे एक आ गया, 2 0 आ गई, है ना, आगे ना 2 0 85/100, तो ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल मतलब परिमेय, ये भी रेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पर 4 3 4 3 4 3 सेम आ रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये नंबर कौन सा है, इरेशनल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं है। याद रख लो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है बच्चों जो एक तो अशांत होती हैं, मतलब जो कभी रुकती नहीं है। ठीक है, और जो नॉन रिकरिंग होते हैं, जो असमान होती हैं, मतलब एक तो रुकने दी, दूसरा एक जैसी रकम नहीं आ रही। देखो इन दोनों में यही अंतर था। देखो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है ना, लेकिन इसमें सेम रकम नहीं आ रही बार बार, इसमें सेम आ रही है बार बार आ रही है ना, तो इसलिए ये परिमेय बन जाएगी।
और ये अपरिमेय रहेगी, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर ये वाला था। अब नेक्स्ट पर आ जाओ, ये कह रहा है उनमें से कौन सा बिंदु वाई एक्स पर स्थित होता है। देखो अगर एक्स अक्ष लिखा है तो हम जब नंबर लाइन बनाते हैं तो एक्स पर वैल्यू होती है ना, और अगर वाई एक्स लिखा तो वाई पर वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाई एक्स लिखा है तो एक्स पर वैल्यू नहीं है, और अगर एक्स पर वैल्यू नहीं है तो एक्स पर क्या होगा, जीरो। तो अब देखो इनमें से कौन सा है जिस पर एक्स पर जीरो, एक्स मतलब पहले वाला, वाई मतलब बाद वाला। इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, और जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो उसे निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चिंता मत करो, जब मैं आपकी क्लासेस जरूर स्टार्ट करूंगा सितंबर से, अभी थोड़ा सा मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं बीच बीच में वीडियो डाल सकता लेकिन कंटिन्यूसली नहीं डाल सकता। बहुत से बच्चे कहते हैं सर टेंथ की बनाओ, तो इसमें मैंने कहा असेसमेंट के ही बना के आपको बता दूंगा, ठीक है, आपको पता चलेगा आपको कितना ठीक है, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना, इतना तो बनता ही है, ठीक है। तो अब फटाफट देख लेते हैं आज का टेंथ क्वेश्चन। ये कह रहा है बी सी डी की माध्यिका बीएम है, ये हमने बना लिया त्रिभुज बना लिया बी सी और डी। इसमें माध्यिका बोले, माध्यिका का मतलब होता है जब कोई एक लाइन एक त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है और सामने वाली लाइन को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये जो मीडियन होती है ये एक त्रिभुज को दो भागों में इसने बांट दिया है, इसे हम माध्यिका कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इनमें से अब कौन सी बात झूठी है, जब हमने पिक्चर को बना लिया तो ये कह रहा है इनमें से कौन सी बात असत्य है। बी सी डी बना लिया और हमने बी से जो है माध्यिका भी बना दी बी एम, तो कौन सी बात असत्य है। कह रहा है बी सॉरी एम सी डी का मध्य बिंदु है, ये तो बात सत्य है। ये कह रहा है बी सी एम बराबर होगा बी डी एम के, बी सी एम बराबर होगा बी डी एम के, बी डी एम के, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी सी डी सी एम, एक मिनट, फिर ये कह रहा है जो बी सी एम है वो बड़ा होगा बी डी एम से, तो जो बी सी एम है बी सी एम बड़ा होगा बी डी एम से, बी डी एम से, तो ये तो झूठ है। अभी मैंने आपको बता दिया कि जब माध्यिका डाल जाती है तो त्रिभुज को दो बड़े भागों में बांट देती है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद लास्ट वाला कह रहा है बी सी एम, बी सी एम ये वाला जो है छोटा होगा और बी सी डी मतलब जो पूरा ट्राइंगल है वो बड़ा होगा, वो तो बात सही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, ये वाला आ गया। तो बच्चों मैंने पूरा आपको 10 अच्छे से बता दिया, क्लियर कर दिया कि आपके कितना आंसर सही है, और मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना तो बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, और कोरोना जो डिसीज है वो अभी खत्म नहीं हुई, तो आपको पूरी की पूरी गाइडेंस को भी फॉलो करना और दूसरों को भी समझाना, क्योंकि आप इस देश का भविष्य हैं। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।